हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास एक पार्सल है जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया है, जो कि एक स्क्रू ड्राइवर का सेट है। और आप देख ही सकते हैं, मैंने इसको पहले से अनबॉक्स कर दिया है क्योंकि पैकेज में कभी कभी कुछ और ही आ जाता है। तो मैंने इसको अनबॉक्स करके फिर से रीपैक कर दिया था क्योंकि आपको दिखाना भी था कि इसकी पैकेजिंग कैसी थी और इसकी पैकेजिंग की क्वालिटी कैसी थी। तो पैकेजिंग की क्वालिटी तो एकदम अच्छी थी और इसकी प्राइस जो थी 769 रुपये के आसपास थी। आप इसको लगभग 770 रुपये बोल सकते हैं। मैं आपको इसकी प्राइस जूम करके दिखा भी देता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी फोकसिंग इशू हो जाती है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। और ये देखिए 769 रुपये लिखा हुआ है इसमें। और जिस किसी को भी ये ऊपर लिखा हुआ पढ़ना हो, मैं उसके लिए जूम कर देता हूँ, वो पढ़ सकता है। ये देख, लुक कहाँ से आते हैं ये? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। Knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off. और इसमें एक पीछे के साइड एक कैप भी है जिसको आप खोलकर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और स्क्रूज भी रख सकते हैं, ये आप जो चाहें आप। और उसके बाद मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि इसमें अटैच कैसे करना है। जब ये देखिए, जब मैं इसको अटैच करते हैं, काफ़ी स्मॉल साइज है, अगर मुझको लॉन्च करना होता है इसके साथ एक अटैचमेंट मिला हुआ है, मैं इसको लगाऊँगा फिर इसके बाद इसको अटैच करूँगा, तो काफ़ी साइज़ जो इसकी लार्ज हो जाती है, तो खोलने के लिए आसानी हो जाती है। और इसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि अगर आप स्क्रू ड्राइवर टाइट करते हैं या खोलते हैं तो आपको घुमाते हुए आपको हाथ को भी घुमाना पड़ता है, फिर हाथ को छोड़ के फिर स्क्रू ड्राइवर को घुमाना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक सिस्टम दिया हुआ है कि अगर आपको लेफ़्ट घुमाना है लेफ्ट कर लीजिए, राइट घुमाना है राइट घुमा कर लीजिए, लॉक करना है लॉक कर लीजिए, तीनों ऑप्शन इसमें हैं। अगर आप राइट साइड घुमाते हैं तो आपको हाथ घुमाने की जरूरत नहीं, स्क्रू ड्राइवर बैक साइड में करके फिर राइट साइड घुमाएंगे तो वो फिर से लॉक होकर फिर आगे घूमने लगेगा राइट साइड में, आपको बार बार हाथ घुमाने की ज़रूरत नहीं है। Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. और मैं ऐसा ही आपको दिखा ही रहा था तभी मेरी नज़र उस पर पड़ती है जो नीचे पड़ा हुआ है। ये जो है ये सॉकेट में लगा कर, जो सॉकेट जिसमें क्रोम चढ़ा हुआ है वहाँ आपको 6 पीस में दिख रहा होगा, सॉकेट में लगा कर उसको टाइट करने के लिए या इसको ड्राइवर को खोलने के लिए यूज़ में किया जाता है। मैं आपको वो हाथ में लेके आगे दिखाता हूँ सॉकेट्स कैसे हैं, और तब तक और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ही सही है क्योंकि इसमें चारों साइड में रबड़ाइज मटेरियल लगा हुआ है फ्रंट साइड में, क्योंकि उस साइड ग्लास दिए हुआ है, अगर वो गिरेगा तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, बट बैक साइड में टोटल प्लास्टिक दिए हुआ है, अगर वो बैक साइड से गिरेगा तो ये डैमेज हो सकता है। We'll be right back.
और मैं जिसकी पहले बात कर रहा था सॉकेट की, वो यही सॉकेट है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उस चीज़ का यूज करके इसको यूज किया जाता है। और इसके थ्रू जो स्क्रू और इसमें यूज होने वाले जो होते हैं, इसको कसा और ढीला किया जाता है। और ये देखिए, मैंने इसको सिर्फ एक से दो बार यूज किया है, इसमें इतने ज़्यादा स्क्रैच और डीप मार्क्स आ गए हैं। मैं आपको नए वाले से भी कंपेयर करके दिखाता हूँ, जिसको मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया और इसको मैंने सिर्फ दो बार यूज़ किया है, इसमें इतने स्क्रैच आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा चलेगा, लेकिन मैंने और भी बहुत ढेर सारे यूज़ किए हैं, वो सिर्फ एक दो बार में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि मैं जो ट्राई कर रहा था, बहुत ज़्यादा हार्डली ही और मैंने ट्राई किया था, क्योंकि मुझे चेक करना था कि ये कैसा है, उसकी एक बिल्ड क्वालिटी कैसी है और ये मटेरियल कैसा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।